Hey guys, welcome back to my channel. I am Shreya और Shreya Stories में आपका बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ना नए फोन की अनबॉक्सिंग जो कि है Vivo G1. तो अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं. पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, मैं कोई टेक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है फोन या गैजेट्स को लेके. तो प्लीज़ इस बारे में ऐसे कोई कमेंट मत करिएगा या कुछ ऐसा मत पूछिएगा जो मुझे पता ही नहीं है. तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, हाँ मैंने नया फ़ोन लिया है तो हो सकता है आपको ये हेल्प कर जाए अगर आप लेने की सोच रहे हैं. तो वैसे भी काफ़ी यूट्यूबर्स ने आपको इसके बारे में बताया है तो इसलिए मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, हो सकता है आपको कुछ आइडिया मिल जाए. फिलहाल देखते हैं और इसी के साथ साथ मैं कुछ पिक्स भी ऐड करूंगी, आप देखिए कैमरे की क्वालिटी भी देख लीजिएगा. अगर आपको वीडियो भी देखना है तो इसका जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ज़रूर इसी फ़ोन के कैमरे से होगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग की चेक कर सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी चेक कर सकते हैं और फ़ोन का जो कैमरा है उसकी क्लिप्स मैं डाल दूंगी तो आप जरूर देखिएगा. फिलहाल चलिए देख लेते हैं हम क्या क्या इस फोन में है और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल की घंटी को भी आने वाले इसी तरह नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबा दीजिए. वीडियो उनको और लाइक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम. तो यहाँ दोस्तों मैंने ऑर्डर किया था इसे फ्लिपकार्ट से, आप चाहे तो वीवो स्टोर से भी आप इसे कर सकते हैं. नेक्स्ट जो बुकिंग है वो 16 जुलाई यानी कल से शुरू हो रही है. तो अभी हम इसका सील ब्रेक कर देते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं. काफ़ी कमाल का फ़ोन है, फुल पैकेज फ़ोन है ऐसा सुना है. और इसी के साथ साथ देख लेते हैं अंदर इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या प्रोवाइड है. ये इसका जो कि आप जानते हैं बिल है, तो इसको साइड में रखिए, एक साल की वारंटी है तो ध्यान से संभाल के रखिए. और अब इसे हम रिमूव कर लेते हैं. ये काफ़ी अच्छे से बबल पैक किया हुआ है. तो फर्स्ट लुक आप जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी अच्छा बॉक्स लग रहा है और ऊपर से प्लास्टिक की शीट भी लगाई गई है. तो Vivo Z1 Pro लिख के आया भी है, पबजी का यहाँ पे आई थिंक शायद पबजी का ही ये मार्किंग है. और पीछे डिटेल्स को मेंशन किया गया है, यहाँ पे 20,990 की प्राइस है बट ये 17,990 में अवेलेबल है क्योंकि मैंने इसे 6GB रैम और 128GB मेमोरी स्टोरेज के साथ लिया है. तो ये पड़ा है 17,990 का. वैसे उसके स्टार्टिंग प्राइस है 14,990 रुपीज़. तो अभी चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं. यहाँ पे एक अदर बॉक्स भी है, इसके अंदर ये देखिए इसका कवर दिया है, बैक कवर जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ट्रांसपेरेंट है तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है. इसको करते हैं साइड में. अब इसका जो है मैनुअल गाइड दिया गया है जैसे कि आप जानते हैं, इसकी वजह से कोई खास जरूरत नहीं है, साइड में इसको भी कर देते हैं. अब हम निकालते हैं, एक और शीट है, इसके साथ फ़ोन है, फ़ोन को भी साइड में करते हैं और देखते हैं. यहाँ पे हमें मिला है USB केबल और इसी के साथ हमें 3.5 mm जैक का हेडफोन मिला है और इसके साथ हमें मिला है 18 वॉट का आउटपुट चार्जर, फास्ट चार्जिंग करता है ऐसा Vivo ने दावा किया है और वाकई मैंने चेक किया है ये काफ़ी फास्ट चार्जिंग करता है. तो इसी के बाद अब बारी आती है फ़ोन की. अब इस प्लास्टिक की जो शीट है, इस कवर है, इसको हम रिमूव करते हैं और इसका फ़ोन का लुक जो है वो बैक लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, काफ़ी अट्रैक्टिव है. सोनिक ब्लू है इसका कलर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखिए, इसमें फिनिश भी आ रही है, काफ़ी अच्छा है देखने में भी. ट्रिपल कैमरा है, नीचे LED फ्लैश है, फिंगर सेंसर है और इसी के साथ फेस अनलॉक की भी इसमें सुविधा है जो काफ़ी फास्ट काम करती है, ये मैंने खुद ही चेक किया है. अब ये स्क्रीन देखते हैं, 6.53 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल रही है यहाँ पे. इसे हम रिबूट कर लेते हैं और फिर इसका डिस्प्ले हम चेक करते हैं. तो देखिए दोस्तों आपको जैसा कि सामने दिख रहा है, कैमरा शायद उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा बट ये देखिए काफ़ी अच्छा फंक्शन है, फास्ट काम कर रहा है, एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ये देखिए काफ़ी फास्ट है इसका फंक्शनिंग. इसी के साथ अगर आप गेम के दीवाने हैं तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है दोस्तों. वैसे तो दोस्तों ये इंडिया का फर्स्ट फ़ोन है जिसे स्नैपड्रैगन 712 के साथ लॉन्च किया गया है इंडिया में. इसी के साथ इसकी 5000 mAh की बैटरी है और गूगल एडसेंस का शॉर्टकट भी दिया गया है इसी के साथ. और इसका प्राइमरी कैमरा है 16 MP का जैसा आप देख सकते हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है 8 MP और डेप्थ कैमरा इसका 2 MP का है. इसी के साथ आपको मिलता है, ये देखिए आप क्वालिटी भी देख सकते हैं और आपके फिल्म स्लॉट के लिए एक की भी दी गई है. और अब बात करें सेल्फी कैमरे की तो ये 32 MP का कैमरा है जो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी मोड्स के साथ आता है, ट्रिपल स्लॉट सिम है और ये फुल पैकेज वीवो की तरफ से ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया गया है 4,990 से लेकर 17,990 के रेंज में. ये कुछ आपको एग्जांपल हैं पिक्स के, आप देख लीजिए इसे कैमरे से लिए गए हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी अच्छी है या नहीं है.
और सॉफ्टवेयर इसका फंटस ओएस पे ही काम करता है। वेलकम बैक टू माई चैनल श्रेयस स्टोरी एंड आई एम श्रेया। और आज मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। अब जाना कहाँ है, बहुत ही फेवरेट प्लेस है मेरी और बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, यानी एक साल से ऊपर हो गया है, 1.5 साल होने आ रहे हैं। जा रही हूँ मैं अपने मम्मी के पास, हाँ, और वो भी ना टाइम बहुत कम है। मैंने अभी कोई भी तैयारी नहीं की है, कोई पैकिंग वगैरह भी नहीं हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पैकिंग करूँ कैसे, क्योंकि मेरा सामान वगैरह ज़्यादा और मुझे ले जाना है कम, और क्योंकि मैं अकेले ही जा रही हूँ तो मुझे बाई एयर जाना है, जो कि मुझे 25 kg सी भी लगेज जो है वो अलाउड है। अब देखते हैं क्या छोड़ते हैं और क्या लेके जाते हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या पैकिंग की है और क्या क्या बची रह गई है, और आप कैसे पैकिंग कर सकते हैं अगर बाई एयर जा रहे हैं और आपको ज़्यादा सामान ना ले जाके कम सामान ले जाना है और आपकी हर एक ज़रूरत की चीज़ भी हो। तो फिलहाल चलिए देखते हैं, कोशिश मैं भी वही कर रही हूँ, कितनी सफल होती हूँ वो तो आपको आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे होंगे पीछे बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, क्योंकि मैं अभी अपने जो है ये कबर्ड के पास हूँ और उसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने इस एरिया से ना बड़ी चीज़ें मैंने खाली कर दी हैं, और उसके बाद भी ना अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे खाली करनी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मुझे यहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ ले ली हैं, मेरी काफ़ी साड़ियाँ जो है इसी में मोस्टली पड़ी हैं, और उसके अलावा भी बहुत लगेज है उसमें पड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ साड़ी ले जाऊँ या ना ले जाऊँ, कि मुझे काम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, फिलहाल तो वो आगे मुझे पता चलेगा। वैसे मुझे ससुराल जाना है, ससुराल में रहती हूँ, बट मेरा जो मेन ससुराल है वो यूपी में ही है, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एज मैं वहीं पे साड़ियाँ भी पहन लूँगी, यूज़ भी आ जाएगी और अच्छा भी रहेगा। तो मैं यहाँ से दो तीन साड़ियाँ मोस्टली ले जाऊंगी, ज़्यादा नहीं ले जाऊंगी वरना फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और वहाँ पे जाके अगर चेकिंग करने के बाद अगर मेरा लगेज ज़्यादा हुआ तो फिर मुझे ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो फिलहाल देखते हैं कि अभी यहाँ से हम क्या उठाते हैं। फिलहाल मैं आपको अपना वार्डरोब दिखा देती हूँ, जो ऊपर का बहुत एरिया मैंने खाली कर दिया है। तो बेसिकली बहुत कुछ इतना नहीं है दिखाने के लिए, आधे से ज़्यादा जो सामान है ना वो मैंने बेड पे पटक दिए हैं, और इसके अलावा जो है मैं आपको बेड की भी हालत दिखा देती हूँ, जो अभी फ़िलहाल अच्छी नहीं है मगर आपको फिर भी दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देखिए बैग, देखिए तो बहुत बड़ा बैग है, और मैंने सोचा है मैंने इसी में ना सारी चीज़ें ऐड कर लूँगी, बट लग नहीं रहा है ऐसा कुछ फ़िलहाल कि मेरी सारी चीज़ें आ जाती है, फिलहाल तो रखने के बाद भी पता चलेगा। तो मैं ये देखिए इतना सारा सामान मैंने फैला के रखा, हाँ तो ये देखिए मैंने बहुत सारा सामान। और फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं ये एक बैग जो है वो कैरी करूँ या ना करूँ, फिलहाल ये बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं इसको छोड़ के मैं एक स्लिंग बैग ही यूज़ करूँगी, वो ज़्यादा प्रिफर करेगा मेरे लिए, सही रहेगा। और इसके और अलावा जो है ये देखिए ये मेरा मेकअप पाउच है, और इसमें मैं जितने अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं वो रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं कुछ ही दिन के लिए जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम के लिए नहीं जा रही हूँ। और यहाँ मैंने बहुत सारे छोटे छोटे और काफ़ी टॉयज रखे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही स्पेशल मेहमान से मिलने जा रही हूँ, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे, बट कौन है वह मेहमान और मैं किसके पास जा रही हूँ तो आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें फैला के रखी, मैंने हर चीज़ फैला के बैठी है, और मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ा बैग जो मैंने आपको दिखाया है ये, और मेरा बैकपैक, और क्योंकि बैकपैक मैंने सोचा था मेरे लैपटॉप के लिए, बट लैपटॉप मेरे बैकपैक में नहीं आ पाएगा तो मैं दूसरा एक अदर बैकपैक लूँगी इससे बड़ा। और यहाँ मैंने आपको बताया ये मैंने एक स्लिंग बैग ले लिया है, ये ज़्यादा ठीक है, छोटा भी है, कन्वीनियंट भी है और सही रहेगा। और अगर मेरा मन करेगा तो मैं क्लच बैग भी रख लूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे ज़्यादा सामान नहीं ले जाना रहता है, बस कैश को कैरी करना रहता है या कार्ड को, तो उसके लिए क्लच बैग चले जाता है। तो फिलहाल ये तो काफ़ी बड़ा है ये बैग, और तो मैं उसको नहीं ले जा रही हूँ, मैंने इसे रख लिया है। और ये मैंने एक बैग लिया है, आई डोंट नो ये कैसा लग रहा है, बट एज मैंने किसी को गिफ्ट के लिए ये बैग लिया है, ये देखिए, और इसको भी ले जाना है। तो मैं देखती हूँ कि अगर मैं ले जा सकती हूँ तो मैं ले जाऊँगी, वरना बाद में ये मम्मी और ये भी आने वाले हैं तो मैं उनको ले दूँगी, कुछ कुछ सामान ले दूँगी। तो फिलहाल देखते हैं, और अगर भी मैंने काफ़ी बैग्स निकाल के रखी थी बट आई डोंट थिंक मुझे इसको बैग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इधर उधर सामान आप थोड़ा सा माइंड दीजिएगा, मैं इधर उधर सामान बिखेर देती हूँ। फिलहाल काफ़ी रॉ वीडियो है, मैंने कोई फिल्टर नहीं किया है ना,
तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किए हैं कि कुछ मैं 2 से 4 सूट ले लेती हूँ और 2-3 साड़ी ले लेती हूँ, और इसके साथ मैंने 2 कुर्ती रख ली है, कुछ टॉप रख ली है और 1-2 शायद जीन्स। इतनी मेरी कंफर्टेबल है कि मैं शायद 22 से 25 दिन के लिए जा रही हूँ, और इतना ज़्यादा मेरे लिए ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अब ज़्यादा सामान कैरी करना पड़ता है। फिलहाल तो ठीक है, एयरपोर्ट में इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट ये कि ज़्यादा हो गया सामान तो उसका आपको पैसा पे करना पड़ेगा ज़्यादा, तो फिलहाल ये हमको क्यों पे करना पड़ेगा, हम पहले ही संभाल के जाएंगे। और फिर मैं अपना सामान वेट भी कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास वेइंग मशीन है, तो ऑब्वियस मैं वेट करती ही जाऊँगी, तो वहाँ वेट करने के लिए हमको बैठना है, तो ये सिंपल सी बात है। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं इसमें रखती हूँ सामान, भरती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ना कुछ अपने 1-2 जीन्स और ट्राउज़र रखी हैं, और इसी के साथ मैंने 1-2-3 जॉब भी रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं उन्हें फोल्ड कर दूँगी। तो अभी ना मैंने 2 से 3 मैंने सिर्फ 2 कुर्ती रखी हैं विद माई लेगिंग, और इसके साथ मैंने ना 2-3 सूट ले लिए हैं, और ये मैंने फुलकारी दुपट्टा ले लिया है जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो हो सकता है मैं तो नहीं पहनूँ, फिलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है, तो इतना ले लेते हैं और 2-3 साड़ियाँ रख लेते हैं। और फिलहाल मुझे मेरे नए मेहमान के लिए ना बहुत सारे मैंने गिफ्ट किए हैं, उनको उसमें डालना है, तो ज़्यादा तो उसकी जगह उसमें खेलनी है। तो फिलहाल मैं अभी ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, फिलहाल देखते हैं मैं कैसे करती हूँ, और मेरा मन करेगा अगर जगह रहेगी तो अलग साड़ी को सेलेक्ट कर लिए। ये नेट की येलो कलर की साड़ी है, आपको दिखना है या नहीं पता नहीं है, हाँ ये है साड़ी, एक मैं क्लोज अप कर देते थोड़ा सा, तो ये रही साड़ी, ये नेट की साड़ी है। फिलहाल इसके साथ मैंने एक और साड़ी ली है, क्योंकि घर पे पूजा है, तो पूजा में मुझे पहनने के लिए मैंने ये साड़ी ली है, पिक की है, ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है मौसम के हिसाब से, और लाइट वेटेड भी है, और काफ़ी अच्छा इसका वर्क भी है अगर आप देखिए, ये देखिए। तो फिलहाल अगर आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो आगे के ब्लॉग जरूर देखते रहिएगा, मैं उसका भी ब्लॉगिंग करूँगी और आपको ये पूरी साड़ी मैं पहन कर दिखाऊँगी कि इसका लुक कैसा आता है। वैसे ये साड़ी बहुत अच्छी है पहनने में भी, अच्छी है कि मगर अभी तक मैंने इसे नहीं पहना है, नई साड़ी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक और रेड कलर की साड़ी रख रही हूँ, शायद मुझे काम आ जाए, क्योंकि मैं बस इतनी साड़ी रख रही हूँ और ज़्यादा नहीं। मैंने एक और बैग निकाला है, वो ऐसा है कुछ और छोटा ही है, तो काफ़ी हैंडी हो जाएगा, ये मेरे लिए हैंड बैगेज में जाएगा, और ये बड़ा वाला मेरी चेक इन करते वक्त ये बैगेज मैं वहाँ पे सबमिट करवा दूँगी, और इससे मैं आराम से, क्योंकि मैं एयर इंडिया से जा रही हूँ, तो इस वजह से और फ्लाइट्स के कंपैरिजन में एयर इंडिया में आप लगेज ज़्यादा ले जा सकते हैं, तो मैं ज़्यादातर एयर इंडिया प्रेफर करती हूँ, और 25 kg का आप ले जा सकते हैं चेक इन बैगेज में आप 25 kg ले जा सकते हैं, और हैंड बैगेज के लिए आप 7 kg ले जा सकते हैं। तो फिलहाल ये काफ़ी सही है, जिसमें मेरा लैपटॉप भी आ जाएगा, तो ये देखिए ये स्पेस में मेरा लैपटॉप भी आ जाएगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी मैं स्टफ भी भर सकती हूँ, तो ये फाइनल है मेरा इतना। आगे देखते हैं, होपफुली और कुछ लगेज मेरा ना बढ़े, क्योंकि वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो लेट्स सी क्या होता है। मैं भी पैकिंग करके आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है और मैंने कितने बैग रिड्यूस। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये मैंने मेकअप पाउच लिया है जो प्लम का है, ये मैंने purple.com से लिया था, और मैं इसमें अपने मेकअप के स्टफ भर रही हूँ, जिसमें स्टेक वर्की रेवलॉन अलेक्मे और A18 के लिपस्टिक्स हैं, और कुछ लिक्विड हैं, कुछ मैट हैं, और कुछ नॉर्मल ये क्रीम लिपस्टिक है, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ओरिफ्लेम का वाटरप्रूफ आईलाइनर, A18 की लिपस्टिक, और लैक्मे का मैंने लिपस्टिक लिया, मस्कारा लिया है, और इसी के साथ मैंने 2 लिप लाइनर ले लिए हैं, और कुछ नेल पेंट्स ले ली है, और हाँ इसी के साथ मैं मेबलिन का जो है ये कॉम्पैक्ट भी इसमें डाल ले रही हूँ, और ये नेल रिमूवर है, और इसी के साथ मैंने गार्नियर का मॉइस्चराइज़र, और मैंने BB क्रीम ही रखी है, सिर्फ इतना मेरे लिए काफ़ी है मेकअप के, और मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब मेकअप के बाद मैंने यहाँ पे कुछ अपने ज्वेलरी सेक्शन यानी कुछ बैंगल्स हैं ये मैंने ली है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़े ही बहुत लिए हैं। क्लेचर हैं, हेयर पिंस हैं, बॉबी पिन हैं, और इसी के साथ साथ मैंने कुछ ईयरिंग्स रखी है और बैंड्स रखे हैं, छोटे क्लेचर रखे हैं, सेफ्टी पिन्स रखी हैं। इन सब को मैं अपने चेक इन लगेज में डालूंगी, क्योंकि सेफ्टी पिन वगैरह हैंड बैगेज में मैं अलाउड नहीं करती हूँ। वैसे भी चेकिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो चेक इन में ज़्यादा सही रहता है हैंड बैगेज के अलावा। गाइस, पैकिंग जो है ना वो कंप्लीट हो गई है 80%, 20% है वो सारा लास्ट मोमेंट का है, तो वो लास्ट मोमेंट पे ही कर देंगे। और अभी तो मुझे जाना है शॉपिंग पे, यानी डीमार्ट जाना है, काफ़ी सामान लेना है घर का। तो अभी दो दिन से वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है मुंबई में, इससे पहले बहुत बारिश हो रही थी, तो अभी बारिश नहीं हो रही है, ये बहुत सही टाइम है अपना अपना काम निपटाने का। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी चली जाऊँ डीमार्ट और वहाँ से फिर आते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं शॉपिंग पे, उससे पहले हम हो जाते हैं रेडी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस रेडी हो गए हैं बिल्कुल, अब बारिश शुरू हो गई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भरोसा नहीं है मुंबई की बारिश का, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, अभी बंद है फिलहाल, अभी स्टार्ट होने से पहले हम यहाँ से निकल चलते हैं। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और थोड़ा लेट भी हो रही हूँ, तो बैग भी ले लिया है, अब फिर चलते हैं। बैग मैंने इसलिए थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे बैग मैं ठूसूँगी, तो वो आ जाएंगे उसमें। तो फिलहाल चलिए निकलते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ गाइस मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी दूर में हम पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे। काफ़ी लेट हो गया है मुझे निकलने में, आप देख रहे हैं जैसा कि रात हो गई है, और देखिए हम डीमार्ट पहुँच चुके हैं और अब चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी हम वापस शॉपिंग कर चुके हैं, घर जा रहे हैं, अंदर की शॉपिंग का वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और उसके बाद इतना सारा सामान और साथ में शूटिंग जो है वो एक साथ हो नहीं पा रही थी। तो फिर कभी नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि आपके साथ अंदर का भी शूट करें, डीमार्ट की शॉपिंग शूट करें आपके साथ। और अभी तो चलिए फिलहाल घर चल के आपसे बात करते हैं। घर अभी जस्ट पहुँचे हैं, 10 बज गए हैं, काफ़ी लेट हो गया था, लेट से निकले भी थे और लेट आने में भी हो गया, और बारिश भी हो गई। खैर हम लोग घर पहुंच गए थे तब बारिश होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा हल्का फुल्का भीगे होंगे। और अभी खाना भी हम बनाना है, ऑलमोस्ट बन चुका है क्योंकि मैंने पूरी तैयारी करके गए थे, और बस अभी बस तड़का लगाना है, तड़का लगाने खाना खाने के बाद फिर आते हैं, हम मिलते हैं। और काफ़ी बिजी दिन था आज का, बहुत ही ज़्यादा बिजी था, तो अभी फ़िलहाल हम आपसे मिलते हैं और खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ गाइस मैंने बनाई है, क्योंकि शनिवार का दिन है तो खिचड़ी ज़रूर बनानी चाहिए, तो यहाँ मैंने खिचड़ी बनाई है, दही है और अरवी का जो भरता है, और इसी के साथ मैंने ना अचार बनाया है, इतना ही बनाया है। और फिर अभी घी में तड़का दे दिया है, ऊपर से थोड़ा सा और घी ऐड कर देते हैं, और खिचड़ी में घी तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने सिंपल रात का थोड़ा लाइट डिनर ही बनाया है, और सैटरडे को मैं खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बनाना चाहिए। तो फिलहाल चलिए डिनर करने के बाद आपसे मिलते हैं हम। गाइस जो है अभी ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आया है, और डिनर हो चुका है, और आज का काफ़ी दिन बहुत थका हुआ था, तो फ़िलहाल अभी ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्द आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हो उसे दबा के ना ग्रे कर दीजिए, और बगल की घंटी को भी इसी के साथ दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और कमेंट करके आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस एंड बाय बाय, टेक केयर।